बात मुरादाबाद की, जहां बड़ी मस्जिद में बड़ा हंगामा हुआ। मस्जिद के अंदर देखते ही देखते नमाज पढ़ने आए दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जमकर बवाल हुआ। बवाल के बाद पत्थरबाज गैंग भी एक्टिव हो गया, जमकर पत्थर बरसाए गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि मुरादाबाद की मस्जिद में लात, घूंसे और बेल्ट किसने बरसाए? मुसलमानों के दो गुट क्यों लड़ पड़े? छतों पर पत्थर किसके लिए रखे थे? स्पेशल रिपोर्ट देखिए। बेल्ट से मारा, लाठी से मारा, डंडे से मारा, लात से मारा, थप्पड़ मारा, घूसा मारा, तार से मारा, कपड़ा फाड़ा। जिसको जो मिल रहा है उसी से मार रहा है। गिनती गिनते जाइए, एक, दो, तीन, चार, पांच, गिनती खत्म हो जाएगी, लेकिन बेल्ट वॉर खत्म नहीं होगी। इतना मारा कि कपड़े तक फट गए। ये गैंग वॉर, बेल्ट वॉर, थप्पड़ वॉर, डंडा वॉर मस्जिद के अंदर हुई है। घटना 30 अगस्त की है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पकबाड़ा थाना इलाके के सब्जीपुर गांव की बड़ी मस्जिद में लोग नमाज पढ़ने आए थे। इस दौरान किसी बात को लेकर नमाजियों में कहा सुनी हो गई। मस्जिद में नमाजियों के दो गुट बन गए। इसके बाद नमाजी वर्सेस नमाजी शुरू हो गया। दोनों गुट के लोग एक दूसरे पर टूट पड़े और जमकर मारपीट की। नमाजियों ने देखते ही देखते मस्जिद को अखाड़ा बना दिया और लात, घूंसे, बेल्ट और डंडे बरसाना शुरू कर दिया। जब मस्जिद में गैंग वॉर खत्म हुई तो मस्जिद के बाहर पत्थरबाज गैंग एक्टिव हो गया। इन्होंने घरों की छतों पर किसके लिए पत्थर रखे थे, क्यों रखे थे, ये अभी नहीं पता, लेकिन पत्थर चले किस पर ये देख लीजिए। मस्जिद के बाहर दूसरी वॉर शुरू हुई। ये मस्जिद से होते हुए घर की छतों तक पहुंच गई। इसके बाद छतों से खूब पत्थर बरसाए गए। इन छतों पर रखे पत्थरों को देख सकते हैं। अब छत पर पड़े पत्थरबाजों को भी गिन लीजिए। छत से लगातार अंधाधुंध तरीके से पत्थर बरसाए जा रहे हैं। ये वही लोग बताए जा रहे हैं जो मस्जिद में भिड़े थे। इस पथराव में भी दो बच्चों सहित कई लोगों को चोटें आई हैं। पुलिस के मुताबिक बच्चों के बीच मस्जिद में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद बड़े लोग आमने सामने आ गए। ये सब्जीपुर थाना पाकबाड़ा का प्रकरण है। इसमें एक ही समुदाय के दोनों पक्ष हैं और पहले बच्चों में लड़ाई हुई थी, मारपीट हुई थी। उसके बाद इसमें जो एडल्ट मेंबर्स थे वो इन्वॉल्व हो गए, मारपीट हुई और इसकी सूचना पे जो एग्रेसिव पक्ष था, जो विक्टिम पक्ष था, उसकी तरफ से मुकदमा इसमें लिखा गया 9 लोगों के विरुद्ध। इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाए। कहा सुनी के बाद दोनों पक्षों के कई लोग आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते झगड़ा बढ़ गया और लोग एक दूसरे को मस्जिद के अंदर ही मारने पीटने लगे। इस गैंग वॉर में दो बच्चों समेत आधा दर्जन लोगों को चोटें आई हैं। पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी है। हंगामे और तोड़फोड़ की ये तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली जिले की हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पर समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है, एंटी मुस्लिम वाला नैरेटिव चलाया जा रहा है, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि ये हंगामा आखिर क्यों हो रहा है। अब आप पूरी डिटेल बताएंगे, लेकिन पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए। दुकानों को पत्थरों से तोड़ा जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है।
चमोली के नंदानगर में लोगों में कितना आक्रोश और गुस्सा है इन तस्वीरों को देखकर पता चलता है। इस आक्रोश की जड़ में है छेड़खानी, वो भी नाबालिग बच्ची के साथ। घटना चमोली के नंदानगर बाजार की है। आरोपी 24 साल का आरिफ खान एक सलून में काम करता है। आरोप है कि 22 अगस्त को आरिफ ने पड़ोस में रहने वाली नाबालिग बच्ची को अश्लील इशारे किए। इसके बाद पीड़िता रोते हुए अपनी माँ के पास पहुंची, उन्हें घटना के बारे में बताया। बेटी की बात सुनकर माँ आरिफ की दुकान पर पूछताछ करने पहुंची, तब तक आरिफ दुकान बंद कर भाग गया। घटना वाले दिन पीड़ित बच्ची के पिता किसी काम से बाहर गए थे। उनके लौटने के बाद भी कुछ दिन तक परिवार वालों ने उन्हें इस घटना की जानकारी नहीं दी, लेकिन परिवार की तरफ से 31 अगस्त को इस बारे में बताया गया। इसके बाद पीड़ित के पिता ने नंदानगर थाने में आरोपी आरिफ के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन मामला जैसे ही पब्लिक डोमेन में आया चमोली के लोग भड़क उठे, तनाव की स्थिति पैदा हो गई। भीड़ बाजार में पहुंची और फरार आरोपी की दुकान का सारा सामान बाहर फेंक दिया। समुदाय विशेष की 11 से ज्यादा दुकानों को तोड़ दिया। नंदानगर बाजार पूरे दिन बंद रहा और वाहनों का चक्का जाम रहा। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, जुलूस निकाला गया। हंगामा होने के बाद चमोली के एसपी भी मौके पर पहुंचे, लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन गुस्साई भीड़ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। इस मामले में पुलिस की तरफ से 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। थाना नंदनगर घाट में एक तहरीर दी गई एक नाबालिग लड़की के पिता के द्वारा कि उसकी लड़की से वही रहने वाले आरिफ खान के द्वारा जो है छेड़छाड़ की गई। इस तहरीर पर तत्काल नंदनगर थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। उसके क्रम में चमोली पुलिस द्वारा एक्यूज को गिरफ्तार कर लिया गया है और नंदनगर घाट मार्केट में जो घटनाक्रम हुआ उसमें भीड़ के द्वारा कुछ वहां की दुकानों में तोड़फोड़ की गई। उसके क्रम में जो वीडियोस हमारे पास उपलब्ध है उनका अवलोकन कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई चमोली पुलिस द्वारा की जा रही है। अंत में मेरी सबसे अपील है कि कोई भी अपने हाथ में कानून को अपने हाथ में ना लें और कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो कानून के विरुद्ध हो और सब लोग जो है सांप्रदायिक सौहार्दता बरतें। हंगामे के बाद पुलिस एक्टिव हुई और बिजनौर से आरोपी आरिफ खान को गिरफ्तार किया। इलाके में तनाव को देखते हुए प्रशासन ने चमोली के नंदनगर में धारा 163 लगा दी है। पुलिस ने 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। उधर स्थानीय लोग विशेष समुदाय के 3 अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आरोप है कि आरिफ को भगाने में इन लोगों ने सहयोग किया, जिससे लोगों में उनके खिलाफ भी आक्रोश है। मुरादाबाद के बाद अब बात करेंगे बहराइच की, जहां आदमखोर का आतंक जारी है। आदमखोर भेड़िये की दहशत का अंत कब होगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। अभी तो सिर्फ हर रात को एक डर आता है, एक अनजाना सा खौफ आता है और लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं, घरों में छिप जाते हैं। पुलिस और वन विभाग अपनी टीमें बढ़ा रहा है, शूटर बढ़ा रहा है, कैमरे लगा रहा है, लेकिन वो तारीख नहीं बता रहा जब भेड़ियों से राहत मिलेगी। पब्लिक को सिर्फ एक भरोसा दिया जा रहा है, पब्लिक बहुत डरी हुई है। और इस बीच नेता पब्लिक को और डराने आ गए, पूरी रिपोर्ट देखिए। आपके क्षेत्र में जंगली जानवरों का हमला बढ़ रहा है, इसलिए आप सबों को ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। कृपया कर अपने बच्चों को घर के अंदर रखें। रात में एवं शाम के समय खतरे की ज्यादा आशंका रहती है, इसलिए आप और आप अपने आसपास अन्य लोगों को भी सचेत रहते रहें। घुप अंधेरा, सन्नाटा ऐसा कि जैसे कोई कर्फ्यू लगा हो। अंधेरा ऐसा कि मौत कब दबे पांव आ जाए पता नहीं।
इन अंधेरी और सुनसान गलियों में, इन खेतों में भेड़िया कहीं भी हो सकता है। भेड़िया कभी भी यहां के बच्चों पर अटैक कर सकता है, इसीलिए तो यहां रात के अंधेरे में चल रहा है ऑपरेशन भेड़िया। डर, खौफ, आतंक और दहशत क्या होती है, ये इन दिनों कोई बहराइच के 50 गांवों के 80,000 गांव वालों से पूछे। एक पूरी की पूरी आबादी रात होते ही ऐसे दहशत में आ जाती है, ऐसा लगता है कि अंधेरा होते ही बहराइच की सड़कों पर एक अघोषित इमरजेंसी लगी हो। भेड़ियों का आतंक है जिन्होंने यहां 10 शिकार कर लिए हैं, इसीलिए लोग अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए पूरी रात ऐसे ही पहरा देते हैं, हाथों में हथियार लिए ऐसे ही घूमते रहते हैं। रात का टाइम है और बहराइच की सड़कों पर इस तरह से भेड़िये का आतंक है। पुलिस जगह जगह जा रही है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं जगह जगह जाके लोगों को बता रहे हैं कि घरों के अंदर रहें, बच्चों का खास ध्यान रखें। और आप लोग देखिए, सिक्योरिटी सुरक्षा जो भेड़िये से है, लाठी डंडे फरसा सब हथियार लेके सड़क पे निकले हैं। ये क्या लेके आए हैं आप? फरसा। अच्छा, क्या करने का इरादा इससे? इसे मारने का इरादा है। किसको? भेड़िये को मार देंगे। हाँ। वो मार रहा है लोगों को, उससे क्या, हम हमारे सामने आ गया तो हम उसको मार देंगे ना। तो बच्चों की कैसे रक्षा कर रहे हैं? बच्चों को अंदर रखते हैं और क्या करेंगे। ये गांव में भाला, सरिया और डंडा लेके लोग गांव में रात में रह रहे हैं, कितना डर है यहाँ भेड़िये का? बहुत डर है सर, बहुत डर है, बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। ये जो है कल जो है यहाँ पंचायत भवन में आ गया था। अच्छा। तो 12 लगभग 2:30 बजे टाइम फिर कोई मेल के बच गए लोग, भाग गवा, कूद गया रहा है जमीन, यहाँ बाउंड्री के अंदर आ गया रहा है, तो फिर भाग गवा। आपने भाला निकाल लिया है? भाला तो रखते हैं, भाला ना रखें तो ऊपर वार कहीं मिल जाए तो दिक्कत कर दे, तो लाठी से हाली कुछ दबी दुबी जो टार्च वर्च लगा दे तो कुछ दब जाता है, भाला जा करते तो हाथ में। हम लोग अलर्ट हैं और शाम को 7 बजे से सुबह 5 बजे तक किसी को सोने नहीं देते हैं और हर पूर्व पे जाकर के रात रात सबको जगाते हैं कि जागते रहो, कोई घटना मेरी गांव सभा में न घटे। दहशत तो होगी ही, अभी तक बहराइच में ये भेड़िये 10 लोगों को मार चुके हैं, 37 लोगों को जख्मी कर चुके हैं और सिर्फ पिछले 48 घंटे में 6 लोगों पर हमला कर चुके हैं, इसीलिए अब इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दे दिया गया है। कहा गया है कि पहले भेड़ियों को जिंदा पकड़ने की कोशिश की जाएगी और फिर अगर जरूरत हुई तो उन्हें गोली भी मार दी जाएगी। भेड़ियों को मारने या पकड़ने के लिए अब 10 दिन का समय और दे दिया गया है। भेड़ियों को न्यूट्रलाइज करने वालों की संख्या पहले 9 थी, अब 18 कर दी गई है। इसके अलावा ये भी सुनिश्चित किया गया है कि इलाके में बिजली गुल न हो। जो है बहुत ही अच्छी पहल ये हुई है कि विद्युत विभाग लगातार उस क्षेत्र में, भले दूसरे जगह की बिजली काटनी पड़े लेकिन प्रभावित क्षेत्र में विद्युत की व्यवस्था जो है बनी रहे, और साथ में स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारियों को भी बुलाया गया था, यहाँ पे CMO साहब भी थे, CMS साहब भी थे, उनके अधीनस्थ भी थे, तो उनको भी सजग किया गया कि इस तरह की आपदा में जो मानवता दिखाते हुए ऐसे लोगों की जो है भरपूर मदद की जाए, जो एम्बुलेंस वगैरह की व्यवस्था है उसको भी चाक चौबंद रखी जाए। तो ये तमाम चीज़ें हैं, सारे लोग कंसर्न हैं और आप लोगों का भी हम लोग सहयोग चाहिए इसमें, लोगों को जागरूक करने में, खास करके जो लोग हैं वो बाहर न सोएं और खुले में न सोएं, अपने घरों में उनके जो है दरवाजे नहीं हैं यदि तो कुछ ना कुछ व्यवस्था करें, रोटेशन में सोएं। मान लें 6 परिवार में सदस्य तो दो दो आदमी, एक आदमी जो है गार्ड करे, बाकी सोएं, और बच्चों को ही खतरा होती है, मतलब खतरे की जो बात है वो बच्चों के साथ होती है। इलाके में बिजली की पूरी व्यवस्था करने को इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहां सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है, लाइट है ही नहीं, तो मजबूरी में लोगों को घरों के बाहर सोना पड़ रहा है। जैसे कि इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 2 छोटे बच्चे सोए हुए हैं और उनकी माँ या दादी उनके ऊपर पंखा झल रहे हैं। अब जब से भेड़ियों की दहशत हुई है तो ये लोग ऐसे ही रात भर अपने बच्चों की निगरानी करते हैं।
बहराइच में दिन के बाद जब सूरज ढलता है तो भेड़िए की दहशत और ज़्यादा बढ़ जाती है। गांव-गांव लोग लाठी, बल्लम, सरिया हर चीज़ लेकर बाहर निकल आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो रात में सावधानी नहीं बरत रहे हैं। उसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम गांव-गांव जा रही है, लोगों को समझा रही है कि भेड़िए का आतंक है, भेड़िया बच्चों को खा रहा है, तो आप घरों के अंदर रहें, बच्चों को अपने घर के अंदर रखें। तो इसी तरह की एक टीम हमारे साथ है, अभिषेक सिंह है हमारे साथ। ये जो पूरा ऑपरेशन आपका चल रहा है, एक तो भेड़िया पकड़ने का और दूसरा लोगों को बचाने का, तो इसमें क्या समझा रहे हैं? बस मैम, हम लोग यही अवेयरनेस कर रहे हैं कि बच्चों को बाहर न सुलाएं, और हम लोग रात भर ऐसे ही गश्त करेंगे कि कोई भी दुर्घटना या घटना घटित ना हो। बस तो जैसे बहुत सारे रास्ते में देखा, हम बहुत दूर से आपके साथ आ रहे हैं, कि बहुत सारे लोग अभी भी बाहर सो रहे हैं, बच्चे बाहर घूम रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं? आज तो हम लोग बहुत अच्छे से समझाए हैं, सब लोग अंदर हैं भी, इसे थोड़ी लाइट कटी थी 10 मिनट के लिए बाहर आए थे, फिर अंदर कर लिए हम लोग, समझाए जैसे कन्विंस हो गए कि अंदर ही रहेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जैसे ये टाइम ऐसा है कि भेड़िया आता है शिकार के लिए, तो आप इस ऑपरेशन के साथ साथ ये भी देखते हैं कि भेड़िया तो नहीं है कहीं? हाँ, जैसे कहीं सूचना मिलती है तुरंत ड्रोन चला के हम लोग देखते भी हैं। बच्चे अंदर रखिएगा, इस तरह से लोगों को समझाया जा रहा है। मच्छरदानी के अंदर लोग हैं, अंदर करिए। अच्छा अच्छा, हाँ तो थोड़ा ध्यान रखो भाई। भेड़िये ने अपने ज्यादातर शिकार छोटे बच्चों और बुजुर्गों को बनाया है, इसीलिए अब प्रभावित गांवों में ऐसे ही वन विभाग और पुलिस की टीमें जा जाकर लोगों से घरों के अंदर जाने को कह रही हैं। लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन लोगों की भी मजबूरी है कि घरों के अंदर कमरों में गर्मी लगती है और बाहर भेड़िये का डर है। मैडम, हम लोग तो पूरी रात ऐसे ही चलते हैं, लगभग 5 बजे तक। हम लोगों का काम है कि लोगों को जागरूक करना, लोगों को बताना। हम लोग बताते हैं लोगों को और लोग उस पर अमल भी करते हैं, क्योंकि हमारा जो गांव है बहुत ही सेंसिटिव गांव है, और यहां पे कई बार ऐसा हुआ है कि भेड़िया आता है लेकिन कुछ ऊपर वाले की कृपा है कि वो चला जाता है, क्योंकि लोग जागते मिलते हैं उसको, इसलिए हमारा गांव बचा है अभी तक। जी, अच्छा, रात भर जागते हैं, पहरा देते हैं आप लोग? पूरी रात। लाठी डंडे भी हैं साथ में? सब कुछ रहता है। आप लोग रात भर जागते हो? हाँ। तो क्या ढाका भी लगाते हो? हाँ। जागते रहो, क्या बोलते हो? बोलता हूँ जागा सोइए। अच्छा, तो जो बच्चे बच्चे घर के बाहर हैं, आप लोग भी कहते हैं अंदर? हाँ। तो इस तरह से ये पूरा जो ऑपरेशन भेड़िया है, वो दिन में ज्यादातर भेड़ियों को ट्रेस करने में फॉरेस्ट ऑफिशियल्स लगे रहते हैं, और रात में जब अंधेरा होता है तो कहीं अगर ये जानकारी मिलती है कि भेड़िया आया है, वहाँ वो देखते हैं, और दूसरा लोगों को ये कहते हैं कि अपनी सुरक्षा वो खुद करें, क्योंकि ये खतरनाक जानवर यहाँ इस इलाके में आ गया है। हालांकि व्यवस्थाएं पूरी हैं, ऐसे ड्रोन भी लगे हैं जिन पर थर्मल कैमरे हैं। रात को जहाँ भी सूचना मिलती है, तुरंत वन विभाग की टीम ऐसे ही ड्रोन कैमरों के साथ पहुँच जाती है। रात के अंधेरे में ही ड्रोन उड़ाकर देखा जाता है कि भेड़िया कहां छिपा है। थर्मल कैमरे का फायदा यह है कि रात के अंधेरे में भी यह साफ साफ काम करता है, कुछ भी होगा तो दिख जाएगा। मैसी के इस गांव में रात के करीब 10 बजे हैं और ये ड्रोन यहां पर आया है, थर्मल कैमरे हैं, और यहां पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कुछ सूचना मिल रही थी कि यहां आसपास कहीं भेड़िया आ गया है। अब इसको उड़ा के देखा जा रहा है कि क्या भेड़िया आसपास कहीं है। पूरी टीम है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ में, उनके पास गन भी है, दो नाली बंदूक है, पुलिस भी साथ में है। और क्योंकि अब सरकार की तरफ से ये कह दिया गया है कि ये जो भेड़िया है 10 लोगों को मार चुका है, जिसमें 9 बच्चे हैं, तो सबसे पहले इस भेड़िये को रेस्क्यू करने की कोशिश करें, और अगर भेड़िया रेस्क्यू नहीं होता है तो इसको मारने की परमिशन सरकार से मिल गई है। तो इस तरह से ढूंढा जा रहा है भेड़िया, वो ड्रोन है, और यहाँ पे तस्वीर देखी जा रही है कि कहीं भेड़िया जंगल में, घना जंगल है, सब तरफ गन्ने के खेत हैं, कि कहीं कुछ दिख रहा है आपको इसमें? नहीं दिख रहा, ढूंढ रहे हैं अभी। तो इस तरह से इन कैमरों के जरिए चारों तरफ जो खेत हैं गन्ने के, उन पर निगरानी की जा रही है, रात का टाइम है। अब यही ड्रोन वन विभाग वालों के लिए परेशानी का सबब भी बन गया है। करीब 80,000 लोग प्रभावित हैं, तो स्थानीय विधायक भी सक्रिय हैं, वो भी लगातार कैंप किए हुए हैं और वन विभाग के अधिकारियों से भिड़ रहे हैं, क्योंकि वन विभाग को ड्रोन में भेड़िया दिखा है कि सीआर, इस पर कंफ्यूजन है।
सर देखिए कुछ विश्वास भी सर करना चाहिए, इतना हम विश्वास कर रहे हैं फिर भी जो है थोड़ा सा बात हुई ने जरूर से ज्यादा विश्वास नहीं करेंगे। आपके खिलाफ बेहूदगी हुई तो हमने उसको बंद भी कराया, 10 दिन बंद रहा। अभी वहाँ हम भेजे थे तो माल भी खाए हैं, वो ठीक किया, मार खाए वो ठीक किया, बदतमीजी करेगा तुम्हारा अधिकारी, जरा बुलाइए उनको, आमने सामने कराते हैं। आपके ही विभाग के आदमी ने कहा है कि इसमें कुछ मत कराइएगा क्योंकि गलती हमारी, बुलाइए जरा हमारे सामने। जब रात में हम पकड़ नहीं सकते हैं तो रात में हम क्यों करते हैं, हम ये काम सुबह और शाम को करना चाहिए, दिन में भी कड़ी धूप होगी तो वो क्लियर नहीं आएगा। अच्छा सर बताइए, इतना हम परेशान, हमारा पूरा विभाग है, पूरा वन विभाग है, हमसे ज़्यादा खुशी किसको होगी कि भेड़िया मिल गया, हमसे ज्यादा किसको खुशी होगी पूरे उत्तर प्रदेश में कि भेड़िया मिल गया, सबसे नहीं होगी।